वक्त के साथ हर कोई सितमगर हो रहा है, आपदीदा फिर से समंदर हो रहा है, नादानी कहें उसकी या ये सुजात, गाम गाम पर कोई तीर तो कोई खंजर हो रहा है, सुनता नहीं कोई मेरे दिल की निंदा, मजर्रत कोई अंदर ही अंदर हो रहा है। ये एक गज़ल थी और हमारे साथ में गजाला खान जी है। गजाला जी आपका स्वागत है, शुक्रिया है आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं देश में जो हालात हैं, सबसे बड़ी बात अगर लगती है कि जाति वर्ग संप्रदाय इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। अगर हम लोग देखें तनिष्क का एक ऐड आया वो वापस हो गया, या और भी कुछ प्रदेशों में कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर अभी ऐसा लगता है कि देश के अंदर में मजरत, मैंने कहा कि ये नुकसान जो है अंदर ही अंदर समाज के अंदर में हो रहा है। हम सबको सद्भावना के साथ में, सद्भाव के साथ में रहना चाहिए, लेकिन वो ये रहा है कि हमारी सद्भावना और सम्मान के साथ में कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए या किसी और चीज़ करने के लिए समाज में वर्गों को बांटने की तैयारी हो रही है। गजाला जी आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक एंथ्रोपोलॉजी में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पढ़ी लिखी हैं, अपने समाज की एक अच्छी समाज सेविका के रूप में भी काम करती हैं और एक सुलझी हुई महिला के रूप में आपकी छवि है। तो देश की जो घटनाएँ हो रही हैं, जो देश को ऐसा लगता है कि एक फिर बंटवारे की जरूरत लगती है या बात होती है, तो क्या कहेंगे आप? मैं देश की हालत देखकर मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मानव जाति की उत्पत्ति हमारे से ही हुई है, किसी जाति धर्म से नहीं हुई है, हम सब एक है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों में इतना भेदभाव क्यों आता है और कहाँ से आता है, जबकि हम सबकी उत्पत्ति एक आदिकाल मानव के समय, एंथ्रोपोलॉजी जैसे पढ़ा था आपने, जैसे हाँ, मानव विज्ञान उसके अनुसार हम सोचा जाए तो हम सब एक हैं। हम आदि मानव के समय से एक ही जगह से, एक ही झुंड से, एक ही ग्रुप से बाहर आए में रहते थे पहले, जब आदि मानव था। तो डार्विन की थ्योरी अगर पढ़े अगर, तो उस समय कोई भी धर्म संप्रदाय की चीजें नहीं थी। बिल्कुल, अगर आदि मानव, अगर हम लोग कहें बंदर से हम लोग की उत्पत्ति हुई और डेवलपमेंट धीरे धीरे हम लोगों ने किया, तो उस समय ना तो कोई वर्ग था, ना जाति थी, ना इस तरीके से पंथ थे, यही कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी। ऑफ कोर्स आप सब कुछ बोली, हाँ, ऐसा भेदभाव होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम सब उसी के हिस्से हैं। बाहर हम जैसे बाहर आते गए, फिर हमारी संस्थाएं, ग्रुप, समूह जो अलग होती गई, हम सब में खून तो एक ही है। समझ में नहीं आता यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों होता है। और समाज में उसके अलावा भी कई प्रकार की अभी घटनाएं हो रही है, मैं उसके लिए विशेष तौर पे कहना चाहूंगी। समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो अलग ही रीजन है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी विशेष घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में मैं बोलना जरूर चाहूंगी। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के उनसे विनती करना चाहूंगी, उनको नमस्कार करती हूँ। इज्जत से मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर हमारे देश में अभी हम महिलाओं के लिए वो नहीं सोचेंगे तो फिर शायद बहुत ही देर हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तत्काल में ही अगर हमारे देश में अगर NRC लागू हो जा रहा है, अगर GST लागू कर सकते हैं, रातों रात हम नोटबंदी जैसी घटनाएं हो सकती हैं, उन सब में अगर ये तत्काल हो सकते हैं तो ये महिलाओं के लिए कोई एक नया कानून क्यों नहीं बना सकते। बहुत अच्छी बात कही गजाला जी ने आप। गजाला जी का कहना यह है कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर सरकार संवेदनशील हो, संजीदा हो। जब रातों रात कोई कानून बन सकता है तो इस दिशा में भी कोई सख्त कानून, हाँ, इस दिशा में कोई सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। मैं सिर्फ एक जगह के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में आज महिलाएं इतनी डर गई हैं कि मतलब घर से बाहर निकलना, वो आजाद होंगी कैसे, वो आगे बढ़ेंगी कैसे। हमारे यहाँ सिखाया जाता है बेटी बढ़ाओ आगे बढ़ो, आप लोग अगर ऐसा करती रहेंगे तो समाज में हमारी महिलाएं, हमारी बेटी बहनें कैसे आजादी से सांस ले पाएंगी। और फिर दूसरा ये रीजन आता है कि जब नियम कानून कोई कड़ी सख्त आ जाएंगी, मेरा मानना ऐसा है, तो लोगों के बीच डर पैदा होगी। कुछ ऐसा कानून लाया जाए ना जिससे लोगों के भीतर डर पैदा हो ताकि ऐसी घटनाएं कम हो।
ऐसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा मामला भी चलता है कि अरब देशों में या दूसरे देशों में बड़ा सख्त कानून है वहां पर, इसकी वजह से चोरी से लेकर दूसरे अपराध की दर बहुत कम है। आपका भी कहना है ऐसे कि कोई सख्त कानून होना चाहिए ताकि महिलाओं पर अत्याचार कम हो सके। जी, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि कुछ ऐसा कानून बनाया ही जाए जिससे महिलाओं का हर तरह से देश के लिए योगदान रहता है, वो अगर ये कानून बन जाएगा तो वो खुलकर सांस भी लेंगी, आगे बढ़ेंगी, और पूरा भरोसा है वो औरों से आगे ही काम करती हैं और करेंगी। बहुत अच्छी बात है, आप एक अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं, बहुत सारी चीजें भी चलती हैं। क्या लगता है कि इन 50 सालों में आजादी के 60 सालों में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा और भी अगर बढ़ा जाए कि अभी 70 साल करीब जो है ना होने वाले हैं आज़ादी के, तो ये 70 सालों में क्या परिवर्तन महिलाओं को लेकर आया हुआ? राजीव गांधी योजना से लेकर अभी तक आप देख ही रहे होंगे, उनको 33% आरक्षण जो मिला था कांग्रेस की वजह से ही मिला था, और उसके बाद भी हम कोशिश किए, काफ़ी चीज़ों में महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलता है, चाहे वो वैकेंसी नौकरियां हो या फिर ट्रेवलिंग हो या छात्रवृत्ति हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई योजना बनता है तो महिलाओं को अलग से हक मिलता है और मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन, मैंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जी, इस महिला सशक्तिकरण की भी बहुत एक लंबी बातचीत हुई, उस बातचीत में कुछ असर दिखता है आपको? असर का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन हम कांग्रेसी जब एक साथ मिलकर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप इसकी स्पीक ऑफ वुमेन सेफ्टी के लिए चलाए, उससे पहले भी कई धरनाएं प्रदर्शने हुई, कई बार रेप हुए, माहौल ऐसा बन गया कि लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन प्लस पॉइंट के साथ कुछ लोगों का माइनस पॉइंट भी ऐसा आ जाता है सामने कि आप सिर्फ उस फलाने जगह के लिए क्यों बोल रहे हो, वहां तो वोटिंग हो रही है, वहां तो चुनाव। लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहती हूं, पॉलिटिकल मुद्दे से हटकर ही बोल रही हूँ, मैं या हम या वो भी सिर्फ एक जगह के लिए ऐसा नहीं करते, ये गलत फहमी में ना रहें। आप खुद सोचिए, आपके यहाँ भी बहन हैं, बेटियां हैं, अगर आप खुद उन लोगों के लिए आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हम कैसे ठीक होंगे, आपके यहाँ की बेटियां कैसे खुश रहेंगी, आजाद कैसे रहेंगी, फिर हमारे देश में फिर डेवलपमेंट होगा कैसे, सब कुछ तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपका कहना है कि महिलाओं को अगर आवाज़ उठाती भी हैं तो कोई लोग, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के या बहुत सारे लोग उस पर टीका टिप्पणी भी करते हैं कि आप आवाज़ इस पर नहीं उठाए, आपने इस पर उठाया, ये भी बात अच्छी नहीं है। ये बात बिल्कुल बुरी है, हम उनके लिए नहीं, हम सबके लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ, किसी की माँ हूँ, आप भी किसी महिला से ही इस दुनिया में आए हैं, इस चीज़ का महत्व समझ के, इस चीज़ के बारे में सोच के आप सब इस बारे में मेरा सहयोग कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश में कुछ ऐसा कानून सच में आए कि हम सब सेफ भी रहें, दुनिया अच्छे से भी रहे, और सबकी बहू बेटियां आजाद रहें, पढ़ें लिखें, खूब आगे बढ़ें, और हमारे देश का, हमारे गांव का नाम रोशन करें। एक नया विचार तो आपने दिखा, इस घटनाओं के पीछे में अगर जाएं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान में आपने अध्ययन भी किया है कि मानव इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसके पीछे कि क्या मानसिकता हो सकती होगी लोगों की, क्या कानून का डर नहीं है, एक तो ये बात हो गई, और क्या हो सकता है? कानून का डर नहीं, दूसरा हम ये मान सकते हैं कि वो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, या नशे में धुत हैं, अपन यही सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल के न्यू एज जमाने में, जैसा आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी समाज में देख रही हूँ और भी जो आप लोग हैं देख ही रहे हो, हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कहीं पे किसी भी जगह में ऐसा नहीं करना पड़ता कि आप किसी को कुछ कर दें या ये करें, आप किसी का अगर अपना सोच सही रखो, हम क्योंकि मानव प्रवृत्ति से हैं, एक ही जगह से आए हैं, सब एक ही हैं, एक ही खून है, कोई जाति कोई धर्म नहीं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई, हमारी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, तो आप ये सब को परे रख के आप अपना इंसानियत सही रखेंगे तो ऐसा कोई घटना नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि
अपना सोच सही रखे, सामने वाले पे ये ना सोचे कि वो ऐसा है, वो ऐसा पहना है तो वो ऐसा कर रहा है तो वो घूंघट नहीं डाल। टीका टिप्पणी भी महिलाओं के पहनावे पे या किसी और चीज पे अपना जो बचाने के लिए दूसरे पे टीका टिप्पणी करने का कोई हक भी नहीं है आपको। सबकी अपनी लाइफ है तो उस तरीके से जीवन चलेगा तो बेहतर हो सकेगा। बहुत अच्छा विचार लगता है। और कुछ कुछ मन में आता है आपके कहने के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब एक हैं, हर बार की तरह मैं बस यही मैसेज देती हूँ। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होता, और हर जगह में सबको जीने का हक है। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कोई सभी क्षेत्र हो, सबकी अपनी लाइफ होती है। सबको खुश रहना चाहिए, हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहिए। कभी ऐसा सामने वाले को जाहिर नहीं होने देना चाहिए कि आप कितनी तकलीफ में हो, ताकि सामने वाला आपका फायदा लेके और अपना काम कर ले। बहुत अच्छी बात है कि एक सोच भी है आपके पास में कि इंसान को खुश भी रहना चाहिए और अपनी जो कमजोरियां हैं दूसरों के प्रति उजागर भी नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है आपकी, आपने समय दिया। और एक अच्छी बात, एक सोच की सख्त कानून होना चाहिए। सबसे पहले आपने मानव विज्ञान पढ़ा तो एक बात कही कि हम सब एक ही जगह से बने हैं, बाद में ही सारी चीज़ें आई हैं, तो इसका राजनीतिक और लाभ हानि उसको छोड़कर मानव धर्म का पालन करें, यही बात कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे लिए नाक भी हमारा है, कान भी हमारा है जैसा कहते हैं, खून भी हमारा एक है, तो हम सबको मिलके रहना चाहिए। और समाज में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सकारात्मक रहें, नकारात्मक वातावरण बने और लोग जो हैं उनके साथ में अन्याय भी ना हो, ये भी सरकार और कानून की बातचीत होती है, तो उस पर भी सरकार अपना दायित्व तो ठीक से निभाए। और सख्त कानून हो जाएगा तो निश्चित रूप से घटनाएं कुछ कम हो जाएंगी। आपने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। मेरे साथ में धर्मेंद्र सोनी भी है तो उनको भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।